अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डेली अकेडमी में खुश आमदीद। और बच्चों, प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड वन में जनाब उर्दू में हमारी जो लर्निंग चल रही है वो सबक नंबर 3 आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बच्चों, आज हम इसमें जो है क्या करेंगे, आज हम इस क्लास में जो हमारा जो लर्निंग है सवालात के जवाब हैं। और बच्चों, सवालात के जवाब मतलब हमें क्या करने हैं, हमें जबानी सवाल लेने हैं, लेकिन मैंने आप देख रहे हो कि मैंने इस बोर्ड पे एक सवाल लिखे हुए हैं, वो आपकी आसानी के लिए लिखे हैं ताकि आपको आराम से इन सवाल के जवाब लिखने आ जाए और समझ आ जाए। जबकि मुझे पता है कि जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी तो आप मुझे आराम से इनके जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने सबक बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो मस्क है, ये मस्क आपकी सवाल नंबर 89 पर सवाल नंबर 3 का होता है, जिसमें लिखा हुआ है बुक में भी दिए हुए सवालों के जबानी जवाब से। देखिए, आप बुक में भी देख सकते हैं सवाल नंबर 3 दिए हुए सवालों के जबानी जवाब से। अलिफ, जो सवाल अलिफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। तो पहले तो ये बात आपको समझ आ गई कि खातमुन नबीन का मतलब क्या होता है। खातमुन नबीन का मतलब ये कि आखिरी नबी, आखिरी रसूल, जिनके बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसका जवाब आपको पता है, आपने बुक पढ़ी थी, सबक पढ़ा था, और इसकी वैसे भी आपकी ना जो नॉलेज है वो होगी इस हवाले से, क्योंकि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप लोग प्रैक 1 प्रैक 2 और इस तरह के जीज की क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए बच्चों? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। तो आप इसका जवाब लिखें, जवाब में लिखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। अरब के शहर, ये नुक्ते आपको सही से नजर आने चाहिए, 3 नुक्ते, और इसका जो रे है वो सही बनना चाहिए, ऐसे शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का में क्या है कि तजदीद आएगी, मक्का में पैदा हुए। और जब जवाब हमारा खत्म हो जाता है तो हम आते में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। देख लीजिए, सवाल दोबारा से पढ़ें। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। मैंने जवाब में, क्योंकि जवाब में सवाल को किताब से लेके लिख देंगे, जवाब में भी आप लिख सकते हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन अरब के शहर मक्का में पैदा हुए, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। यहाँ पे देख लें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। ठीक है, आसान सा जवाब है, आपको आता होगा, और जितनी भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि हमने ये सारे मुश्किल अल्फाज जो थे वो हमने कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। तो इसका अब हम जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे बच्चे सवाल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चाहिए अपनी आदत बनाने पूरा लिख लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हजरत बीबी आमना था। राइटिंग सही होनी चाहिए, थोड़ा छोटा करके लिख रही ताकि इसी पूरी लाइन में आ जाए, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है इसी लाइन में कंप्लीट करने। नामना मैं दोबारा से लिखूंगी ताकि आपको समझना है, सही है, मुझे समझ आ रहा है ना, कोई जो लिखा है राइटिंग आराम से क्लियर हो रही है। अब सवाल में दोबारा पढ़ा दूं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हजरत बीबी आमना था। ठीक है, इसके बाद जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी बातें बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी की बातें सिखाई। अच्छा, इसका जवाब हम यूं लिख सकते हैं जी का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरअसल बातें बताई, हमें ये बातें सिखाई, हमें ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें सिखाई। तो कौन कौन सी है? अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, आप इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी की तालीमात दी या नेकी की तालीम दी, आप ये भी लिख सकते हैं, छोटों का ख्याल रखो। दूसरों के राइटिंग अच्छी नहीं हो तो मजा नहीं आता है, आपको राइटिंग पे फोकस करना चाहिए कि हम जो भी काम करें हमारी राइटिंग अच्छी हो, दूसरों के काम आओ, ये हो गया। अभी इसकी एक दफा दोबारा से मैं सवाल का जवाब पढ़ के बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी बातें बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें सिखाई, अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, दूसरों के लिए काम आओ। ठीक है, तो ये थे हमारी सबक नंबर 3 के सवाल जवाब, और फिर अगली क्लास में हमने बच्चों सरगर्मी करनी है, अगली क्लास में बच्चों मैं आपको एक तो ये करूंगी कि मिलकर बात करें, एक हम ये काम करेंगे कि मिलकर बात करें और लफ्जों का खेल सफा नंबर 90 हम करेंगे। ठीक है, 90 को कंप्लीट करेंगे, तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपने अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करनी है। ठीक है, इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।